तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होगे। तो आज का ये ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं जाने वाला हूँ एक काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट में सूरत के, जो कि एक नदी के अंदर एक जहाज़ बना हुआ है। जहाज़ के ऊपर, ज़्यादा बड़ा जहाज़ नहीं, एक छोटा सा शिप वगैरह है, जो कि मैंने अभी तक देखा नहीं है। मैंने ऑनलाइन नेट पर देखा था, तो सोचा चलो वहाँ पर जाके देखते हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस करते हैं कि वो कैसा है। तो सोचा आज जाते हैं वहाँ पर। हालांकि अभी तक सूरत में कोई भर्ती वर्ती नहीं आई है, तो पानी वानी शायद नहीं होगा, उसके आजू बाजू कीचड़ ही होगा। क्योंकि मैंने कॉल करके पूछा था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी तो शायद इतना पानी नहीं है आजू बाजू, क्योंकि अभी भर्ती आई नहीं है। तो भर्ती आएगी तो फिर से एक बार चले जाएंगे, लेकिन आज मन हो गया कि जाते हैं वहाँ पर, वहाँ का व्लॉग बनाते हैं, देखते हैं कैसा है। तो सोचा आज निकल ही जाते हैं। तो बस कपड़े वपड़े चेंज हो गए, बाल वाल बनाने बाकी है, बाल वाल बना लेते हैं, फिर यहाँ से हम लोग निकलते हैं, देखते हैं कि कैसा होगा टेस्ट। क्या मैं खुद फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मैंने सिर्फ नेट पर देखा था। मैं YouTube चला रहा था, YouTube के अंदर आया सूरत के टॉप 5 रेस्टोरेंट, तो उनके अंदर से इसका नाम था, तो मुझे नाम अच्छा लगा देख के। मुझे नाम याद नहीं, कुछ अच्छा सा ही नाम है, वहाँ पे जाके देखते हैं। कुछ योगस पायरेट्स योगस ऐसा करके कुछ नाम था, मैं ठीक से देखा नहीं, वहाँ जाके देखने। तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया और मैंने सोचा चलो वहाँ पे जाके बनाते। उसका एड्रेस मुझे कन्फर्म नहीं पता, मुझे इतना पता है कि सेंट्रल मॉल के पीछे, नहीं सॉरी वैलेंटाइन के पीछे, तो वहाँ पर जाके ढूंढना भी पड़ेगा। तो चलो यहाँ से निकलते, थोड़ा बाल बाल बनाते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो तुम्हारे भाई के चैनल को जाके जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। तो चलो मिलते हैं हम लोग वहाँ पर। तो चलो अपनी गाड़ी निकाल ली, मैंने साफ भी कर लिए मस्त। परवेज खान ब्लॉक्स, इसके ऊपर का थोड़ा नाम हट गया है, तो मुझे ये थोड़ा सा फिर से लगवाना पड़ेगा। चलो गाड़ी साफ़ हो गई, अभी निकलते हैं। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ, अभी अंधेरा हुआ नहीं है, थोड़ा सा बाकी है, लेकिन मैंने सोचा मैं अंदर जाके बैठ जाता हूँ और आपको मैं बताता हूँ रेस्टोरेंट। ये बाहर का व्यूज़ है, देख सकते हो आप, ये पूरा रास्ता है यहाँ से जाने का। चलो चलो, ये पूरा रास्ता है और अभी हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट के लिए। तो चलो निकलते, अभी अंदर जाते हैं, दिखाते हैं आपको कैसा है। पूरा बोट है उसके ऊपर जाके रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे हम लोग, ये आप देख सकते हो पूरा। चलो अंदर जाते हैं। तो बस अभी अंदर आ गए, अभी थोड़ी देर यहाँ पर बैठते हैं हम लोग, और आप पीछे देख सकते हो पूरा रेस्टोरेंट, और काफ़ी अच्छी डिज़ाइन की है इन लोगों ने, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है और काफ़ी ज़ोरदार है। ऊपर भी पूरा बैठने का है, टेरेस गार्डन जैसा है, और भर्ती आती तो आजू बाजू पानी भी रहता है, लेकिन काफ़ी मस्त है ये। कुछ 5 से 6 सालों से बन रहा है, मतलब मैंने देखा था नेट पर, तो 6-7 साल पहले भी इसके वीडियो थे, तब ये प्रिपेयर हो रहा था, बन रहा था, लेकिन अभी फाइनली 1-1.5 साल से ये रेडी हो चुका है। और अभी जाते हैं, अभी अंदर यहाँ का टेस्ट भी देखेंगे, खाने का कैसा है, अच्छा ही होगा। तो चलो चलते हैं, मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा लगा देख के। और अभी चलो और आगे जाते हैं। चुके हैं, हाँ, ये नीचे का ग्राउंड फ्लोर है। यहाँ पे देखते हैं, चलो ऊपर आ गए। बोलो कहाँ बैठना है तुम, देख लो जगह, डिसाइड कर लो। ये आप यहाँ का व्यूज देख सकते हो, काफ़ी अच्छा व्यू है। जब भर्ती आती है, बारिश आती है, तो पूरा भर जाता है यहाँ पर, पानी पानी रहता है। तो बस अब यहाँ पर खड़े हैं, पीछे पूरा पानी पानी आप देख सकते हो। तो अभी यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ का लोकेशन कैसा है, कैसी चीज़ है, कैसा बोट है, ऊपर से भी बताता हूँ। फर्स्ट फ्लोर आपको बताया, अभी ऊपर का सेकंड फ्लोर बताता हूँ।
यहाँ पर बैठा हूँ मैं, आप देख सकते हो यहाँ का व्यूज़, नज़ारा भी काफ़ी अच्छा है। तो अभी ऑर्डर करते हैं। तो बस एग्जिट मस्त, पानी के पानी मेरे पीछे जस्ट, और मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो ऑर्डर करते हैं, देखते हैं ऑर्डर में क्या क्या है, खाएंगे कैसा आता है, टेस्ट भी आपको बताएंगे। तो चलो पहले खा लेते हैं। का मेन्यू कार्ड है, तुम यहाँ यूट्यूब पर देख लो ना उसको। ये प्राइस आता है मुझे, तो चलो अभी ऑर्डर किया है, अभी खाते हैं, उसके बाद में आपको टेस्ट बताएंगे कैसा है। फाइनली खाना वाना हो चुका है हमारा, और अभी बस स्प्राइट पी रहे। खाना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, काफ़ी मज़ा आ गया हमको खाना खा के। नेक्स्ट टाइम फिर से यहीं पर आएंगे। चलो अभी ठंडा वंडा पी के यहाँ से बाहर निकलते हैं। ठंडा पीना तो खाना खा लिया मैंने, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। बस यहाँ से मैं निकला हूँ, और पूरे रास्ते में क्या आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि बारिश हो रही है और मैं भीग रहा हूँ। तो चलो यहाँ से निकलते हैं, बस चलो भागो भागो, बारिश हो रही है, भागो 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 भागो, बारिश बारिश। तो बस चलो अभी गाड़ी निकालते हैं, हम लोग घर के लिए रवाना होते। देख सकते हो कैफे। तो हेलो, फाइनली मैं अभी घर पर आ चुका हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा भीग गया, आप देख सकते हो। मैंने काफ़ी ज़्यादा सोचा था कि मैं जहाँ पर रुकूँगा तो आपको बहुत सारी चीज़ बताने का मैंने सोचा था। खाना खा के जब वहाँ से मैं निकला रेस्टोरेंट से, तो सोचा बहुत सारी चीज़ें ऐसी है बताऊँगा, लेकिन मैं बता नहीं पाया। आप देख सकते हो अभी मेरी हालत, देख सकते हो। और अभी टाइम हो रहा है, देखो 12:30 हो रहे हैं अभी, और अभी मैं जस्ट घर पहुंचा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। मैं पूरा भीग गया, पूरे कपड़े भीग गए, अभी कपड़े वपड़े भी चेंज करना पड़ेंगे, तो इसीलिए मैं आपको बता नहीं पाया, सॉरी। लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, खाना भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था वहाँ का। बस थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव था, क्योंकि जो नॉर्मली जो चीज़ अपने जैसे कि कोई भी चीज़ खाते, तो जो जो जैसे कि मैंने कढ़ाई पनीर ऑर्डर किया, तो जैसे कि कढ़ाई पनीर का नॉर्मली चार्ज होता है 180 या फिर 225 या फिर 250, ऐसा नॉर्मली चार्ज होता है वहाँ पर। मतलब जो चीज़ यहाँ पर हमको नॉर्मली रेस्टोरेंट में 250 रुपये में मिलती है, वो वहाँ पर 650 या फिर 750 ऐसे में सब मिल रही थी। तो जो भी था, लेकिन टेस्ट अच्छा था। रोटी का प्राइस था वहाँ पर नॉर्मल, जो रोटी थी तंदूरी रोटी नॉर्मल जो आती है बटर रोटी, इतनी सी थी, उसका प्राइस था 55 रुपये। और जैसे कि तंदूरी नान हुआ वो 220-300, फिर यहाँ तक कि हाई रेंज में रोटी थी। लेकिन टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मज़ा आया, पेट भर के खाया, और अभी घर पर आया हूँ। तो चलो मिलते हैं अब अगले व्लॉग में। तो टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में।